इस वीडियो में मैंने डोली वाले दुल्हन बनाना सिखाया है, तो चलिए सीखते हैं डोली वाले दुल्हन कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको दुल्हन का शेप बनाना आना चाहिए, जो कि माथे से शुरू होता है और नाक के बाद रिपीट होते हुए ठोड़ी तक जाता है। उसके बाद हमने आँख बनाना है। आँख कैसे बनाना है आप वीडियो में देख रहे हो। आँख इस तरीके से बनाना है कि वह माथे और नाक के बीचों बीच हो, जिसे सही जगह पर आँख बने। इसके बाद बिंदी बनाने के बाद मांडिका बनाना है। मांडिका का लाइन लेते हुए हम माथे का माथा पट्टी बनाएंगे और उसी को लेते हुए हम बाली बना देंगे। देखिए मैंने कैसे शेप बनाया है। बाली के बाद हम पट्टी को थोड़ा चौड़ा करेंगे, माथा पट्टी को, और बाल बनाएंगे। बाल के लिए सी शेप में खींच देंगे, फिर हम उस जो सी शेप में बनाएंगे उसको फिल कर देंगे, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। फिर हम फूल बनाएंगे। फूल के लिए डिज़ाइन यू शेप में, यू शेप को रिपीट करते हुए पूरा भर देंगे। इस तरीके से भरते हुए हम आगे बढ़ेंगे और बाल का पीछे जुड़ा बना देंगे। फिर नथिया मैंने बनाया, नथिया नाक को लेते हुए बनाना है। फिर गले पे काम करेंगे, गले में हम हार बनाएंगे। हार का डिज़ाइन वही बनाएंगे जो बाल के लिए बनाया है। फिर हमने क्या करना है, हमें हाथ बनाना है। हाथ इस तरीके से बनाना है कि पहले हम ब्लाउज़ के लिए लाइन खींच देंगे, उससे हमें बेस मिल जाता है हाथ के लिए। फिर हाथ के लिए हम सीधे हाथ नहीं बनाएंगे, डॉट 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 करते हुए हल्का, मतलब मेहंदी का कोन चलाते वक्त हल्का देंगे डॉट, ताकि कंप्लीट हो जाए हाथ। फिर उसके ऊपर हम चला देंगे मेहंदी, जैसा कि आपको वीडियो में देख रहे हो। उसके बाद हम हाथ की चूड़ी के लिए काम करेंगे। हाथ की उंगली बनाने के लिए हम मोड़ दे देंगे, ऐसा कि दुल्हन जो है बैठी हुई हो। उसके बाद हम आगे उसके पीछे का हाथ बनाएंगे, जो कि हाफ दिख रहा होगा साइड, क्योंकि बैठी है, साइड फेस हम बना रहे दुल्हन का। समझ में आपको आ रहा होगा जैसा। अगर आपको कुछ वीडियो सीखने को मिल रहा होगा तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। फिर हम हाथ बनाने के बाद हम उसका दुपट्टा देखिए बनाया और उसके बाद लाइनिंग दे दिए। फिर उसके बाद ब्लाउज़ बनाएंगे। ब्लाउज के लिए हम चेक चेक बना देंगे, ताकि ब्लाउज भरा भरा लगे। फिर हम उसका लहंगा बनाएंगे, जैसा कि बैठी हुई हो इसलिए हम प्लेट दे देंगे। प्लेट इस तरीके से देंगे कि बैठा हो तो लगे ही लगे, साथ में हम उसमें डिज़ाइन भी भर सकें। फिर हम डोली बनाएंगे। डोली के लिए हम लाइनिंग खींच रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। लाइनिंग इस तरीके से देंगे कि दुल्हन पूरी तरीके से कवर हो जाए। उसके बाद हम दुपट्टा पर बनाएंगे, क्योंकि दुपट्टा मैंने बनाया नहीं था, भूल गई थी। उसके बाद दुपट्टा पे आगे पीछे के दुपट्टा में आगे भी दुपट्टा वैसे ही बना देंगे, जैसा आपको दिख रहा होगा। फिर हम डोली के दोनों तरफ लाइन देंगे। पकड़ने के लिए हैंडल बनाएंगे। हैंडल बनाने के बाद हम डोली पर डिज़ाइन देंगे थोड़ा बहुत, जिससे डोली अच्छा लगे। फिर हम डोली पर डिज़ाइन देने के बाद हल्का फुल्का ऊपर से भी गोला देते हुए, सर्कल देते हुए डिज़ाइन देंगे और उसे फिल कर देंगे। जब ये हो जाएगा आपका, तो फिर हम डोली के किनारे पे लाइनिंग देकर उसे बिंदु बिंदु दे देंगे। फिर हम दुपट्टा पे शेडेड देंगे, ताकि डिज़ाइन हम उस पर दे पाएँ। इस तरह का शेडेड हम पीछे की ओर भी दुपट्टा में देंगे। फिर हम लहंगे पे भी वही तरह शेडेड साइड देंगे। यहाँ पर दुल्हन कंप्लीट हो गया। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको डोली वाली दुल्हन कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।